जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों 26 मई 2021 से ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो बुध ग्रह के इस राशि परिवर्तन के कारण 12 में से 7 राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि में इनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, वहीं इनकी मनोकामनाएँ भी पूर्ण होगी। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो संचार, वाणी, वाणिज्य, कार्य, व्यवसाय, बुद्धि आदि का कारक ग्रह बुध ग्रह 26 मई 2021 को अपनी स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेगा। इस राशि में बुध ग्रह 3 जून 2021 तक रहेंगे। इसी बीच 30 मई 2021 को बुध ग्रह वक्री भी होंगे। तो बुध ग्रह के इस गोचर से कई व्यक्तियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य, व्यापार, व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी और मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो अब जानिए सभी 12 राशियों पर बुध ग्रह के इस गोचर का क्या विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से तृतीय स्थान में होगा। इस अवधि में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पहले से और बेहतर होंगे। आपके साहस और पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि होगी, जिससे आप कार्य में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और फल का दान करना चाहिए। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में और अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा। दूसरा स्थान धन स्थान माना जाता है। बुध ग्रह का गोचर आपकी संवाद शैली को भी मजबूत करेगा। कुटुंब के लिए परिस्थितियां पहले से और बेहतर होगी। इस दौरान आप धन बचत कर पाने में काफी सफल होंगे। आय के नए नए साधन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की यथाशक्ति पूजन अर्चन करके गणेश जी के मंदिर में हरे मूंग का दान आपको करना चाहिए। यथाशक्ति गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से लग्न स्थान में होगा। यह प्रथम स्थान माना जाता है। तो अपनी बुद्धि विवेक के कारण आप सही निर्णय ले पाने में सफल रहेंगे। इस समय आपको कहीं से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में सुख शांति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। भाई बंधुओं का विशेष सहयोग आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त आप करते रहेंगे। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए अथवा गणेश जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन जाप करना चाहिए। इससे बुध ग्रह की शुभ दृष्टि आपके ऊपर रहेगी और कार्य क्षेत्र में आप काफी सफल रहेंगे। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से 12वें स्थान में रहेगा। 12वां स्थान व्यय स्थान माना जाता है। इसे खर्च का स्थान भी कहते हैं। इस अवधि में आपके खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे। खर्च के मुकाबले आमदनी आपकी थोड़ी सी कम होगी। धन हानि होने के संकेत ज़्यादा रहेंगे। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवा करके गुड़ या मोदक का नैवेद्य अर्पित करके दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। इससे आपको बुध ग्रह का शुभ फल प्राप्त होगा और आय के साधन आपके बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से लाभ स्थान में होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी। एक से अधिक आय के स्रोत से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इस दौरान आप कोई शुभ समाचार प्राप्त करेंगे। घर में बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पहले से काफ़ी मधुर होंगे। उनके रिश्तों के मधुर होने से उनसे संवाद शैली आपकी बेहतर होगी। आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रति बुधवार का व्रत रखना चाहिए। बुधवार का व्रत रखने के साथ ही भगवान गणेश जी को कच्चे दूध से स्नान करवा करके मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश जी के बीज मंत्र ओम गम गणपतये नमः, इस महामंत्र का 108 बार प्रति बुधवार आपको जाप करना चाहिए।
इससे कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा। दशम भाव कर्म स्थान माना जाता है। इस अवधि में आपके कार्य क्षेत्र में अनुकूल समय आपके लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियां आपकी दूर होगी। इस दौरान आपको न केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि समाज में भी मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होगी। आय के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की यथाशक्ति पूजन अर्चन करके लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और हरे मूंग का दान आपको गणेश जी के मंदिर में करना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त आप करते रहेंगे। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार कन्या राशि के लिए यह गोचर मुश्किल लेकर के आ रहा है। इस दौरान आपको सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी जिसकी वजह से मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। खराब सेहत का असर आपके काम पर भी पड़ेगा। साथी के साथ आपकी कुछ अनबन हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र कड़ी मेहनत और प्रयास का फल आपको मिलेगा। इस दौरान किसी भी तरह के विवादों और झगड़ों से दूरी बनाए रखें। खुद को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने की कोशिश करें तो आप सफल रहेंगे। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होगा। तो नवम भाव धर्म स्थान माना जाता है। धर्म और आस्था के प्रति आपकी रुचि पहले से बेहतर होगी। आप समाज कल्याण के कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले पाएंगे। लोगों के हित के कार्य में आपको शांति मिलेगी। लोग परोपकार का कार्य आप जो भी करेंगे उसमें यश की प्राप्ति होगी। आय के नए नए साधन प्राप्त होने के संकेत हैं। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको प्रति बुधवार भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवा करके सिंदूर का चोला और ध्वजा अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश जी को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें, दुर्वांकुर चढ़ावें, यथाशक्ति गणेश जी के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से बुध ग्रह का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। तो आपके सामने अचानक से परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन रहस्यमय विषयों में आप रुचि ज़्यादा लेंगे। इस दौरान आपके ननिहाल पक्ष को किसी तरह की आर्थिक हानि हो सकती है। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। यथाशक्ति गणेश जी का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। गणेश जी के स्त्रोत्र अथवा बीज मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में आपको जाप करना चाहिए। इससे बुध ग्रह की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती रहेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। तो इस गोचर के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएगी। जीवन साथी का सहयोग पा करके आप स्वयं को खुश किस्मत समझेंगे। व्यापार व्यवसाय व कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर होगी। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। 5 या 11 बुधवार का व्रत आपको करना चाहिए और भगवान गणेश जी को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी की और बुध ग्रह की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती रहेगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से छठे स्थान में होगा। तो विरोधियों के षड्यंत्रों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे। साथ ही आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। वैसे आय के साधन पहले से आपके बेहतर होंगे। तो बुध ग्रह के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको प्रति बुधवार भगवान गणेश जी का अभिषेक कच्चे दूध से करना चाहिए और भगवान गणेश जी को सिंदूर का चोला अर्पित करना चाहिए। मोदक का नैवेद्य अर्पित करें, दुर्वांकुर चढ़ावें, यथाशक्ति गणेश जी के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से बुध ग्रह की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती रहेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से पंचम स्थान पर होगा। तो पंचम स्थान विद्या बुद्धि और संतान का कारक स्थान होता है। तो प्रेम संबंधी मामलों में आपको विशेष सफलता के योग रहेंगे। रिश्तों में रोमांस बना रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की चिंता ज़्यादा रहेगी। आपको परिश्रम भी करना चाहिए, उसका फल आपको मिलता रहेगा।
तो बुध ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की यथाशक्ति पूजन अर्चन करना चाहिए, मोदक का नैवेद्य और श्रीफल अर्पित करना चाहिए। लाल पुष्प चढ़ा करके बैठ करके भगवान गणेश जी के बीज मंत्र ओम गम गणपति नमः, इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक प्रति बुधवार जाप आपको करना चाहिए। इससे बुध ग्रह की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में होगा। इस अवधि में आपके सुखों में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और वाहन प्रॉपर्टी आदि खरीदने के योग बनेंगे। माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। आय के साधन वैसे पहले से आपके काफ़ी बेहतर होंगे, तो बुध ग्रह के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको प्रति बुधवार का व्रत करना चाहिए और भगवान गणेश जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें, केसरिया ध्वजा अर्पित करें, मोदक का नैवेद्य अर्पित करें, दुर्वांकुर अर्पित करें और भगवान गणेश जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप आपको प्रति बुधवार करना चाहिए। ऐसा करने से बुध ग्रह की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।